छह महीना बाद परमेश्वर अपन परी गाब्रियल के गालिलिया दिहात में नासारेत शहर पठाइस। उस अनेसा लाइस एक लड़की खातिन जेकर छकाई एक योसफ नाम के आदमी से भय रहा। वो आदमी राजा दाविद के औलाद रहा। लड़की के नाम मरिया रहा और वो कन्या रहा। जब परी ओकर घर में भीतर गयल तब बोलिस, मरिया तू सुखी बाजे, परमेश्वर तोरे साथ है और ऊ तो के बहुत भलाई करेगा। लड़की जब ई बात सुनिस तब घबराई गयल और सोचे लगल कि एकर मतलब का होई। तब परी बोलिस, मरिया तू ना डराई है, परमेश्वर के भलाई तोरे संगे है। सुन, तो के लड़का होएगा, ओकर नाम यीशु धरैया। उ बड़ा आदमी रही और सबसे महान परमेश्वर के बेटा बुलावल जाएगा। प्रभु परमेश्वर ओके ओकर बाप दादा दाविद के राज देगा। उ सब जुग खातिन याकोब के औलाद लोगन पर राज चलाएगा और सदा के लिए राजा रहेगा। तब मरिया पूछिस, ई कैसे होएगा, हम तो कन्या बाती। तब उ बोलिस, पवित्र आत्मा सबसे महान परमेश्वर के शक्ति से तोरे ऊपर आएगा। वही खातिन जौन पवित्र जीव तोरे में जन्म पाएगा उ परमेश्वर के बेटा बुलावल जाएगा। और सुन, तोर पलवार एलिसाबेथ के बुढ़ापा पर भी एक बेटा पैदा होएगा। उ चाहे बाझिन औरत बुलावल जात रहा तब वो ईसाई छठवा महीना में है। परमेश्वर के सब बात हरदम पूरा होवे है। तब मरिया बोलिस, हम परमेश्वर के गुलाम औरत बाटी, जैसे आप बोले है ओइसने हमसे होवे। तब परी ओकर लगे से चल गल।